यस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो आई होप अपने अपना फर्स्ट सेशन देख लिया होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत सेशन था, मजा आ गया रहेगा। दो स्टैंडर्ड छोटे छोटे अपने कर लिए क्विक, अब एक और स्टैंडर्ड अपन क्विक करेंगे एंड फिर चालू करेंगे जर्नी बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स की भी। अगला स्टैंडर्ड जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है तुम्हारा AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वेल इफ यू आस्क मी, दिस स्टैंडर्ड इज अ कैटेगरी सी स्टैंडर्ड, काफी ज्यादा छोटा स्टैंडर्ड आपका फटाफट हो जाएगा एंड इसमें जो क्वेश्चन टाइप आता है ना ज्यादा करके थियरी आता है। ठीक है, फटाफट देखो काम की बात है, इसमें वो करेंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन, ऐसा आपके बिजनेस का जो पार्ट जो आप अभी नहीं करने वाले कंटिन्यू, उसको प्यार से बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, सोप सेगमेंट, वॉशिंग पाउडर सेगमेंट, कॉस्मेटिक सेगमेंट वगैरह वगैरह। लेट अस से वॉशिंग पाउडर सेगमेंट को आप अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप किसी और को सेल कर दोगे। अब जो किसी और को एक सेगमेंट पूरा का पूरा आप सेल कर रहे हो ना, उसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। याद रखना, पूरा का पूरा सेगमेंट आप सेल करने चाहिए, डन? अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नहीं बट एमसीक्यू के लिए, ध्यान से सुनना। मीनिंग क्या होता है? अरे सर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है? सर सिंगल प्लान होना चाहिए। अच्छा, सिंगल प्लान के ऊपर ना एक हैश मारा हुआ है, बराबर? वो हैश ना आप इधर ना ऐसे स्टार लेके आना, आपको नीचे मैं इसका मतलब समझाऊं। देखो सिंगल प्लान का मतलब क्या होता है? बोलता है देखो भाई, पूरा का पूरा आपको एक साथ बेचना चाहिए, एंटायरिटी मतलब एक साथ बेच दो, बराबर? फॉर एग्जांपल HUL ने पूरा का पूरा वॉशिंग पाउडर सेगमेंट निर्मा को बेच दिया एक साथ। दूसरा, कभी कभार क्या होता है ना, आप एक साथ नहीं बेच सकते क्योंकि आपका जो असेट है वो एक साथ बिकता ही नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके बेचते हो, उसको प्यार से बोलते हैं पीसमेल, या फिर टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। एक काम कर, आप उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बच्चों को क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि लेट अस से IKEA की कंपनी है, उसकी बहुत सारी जगह अलग अलग ब्रांचेस जैसे इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, रशिया में है वगैरह वगैरह। अब लेट अस अफगानिस्तान वाला सेगमेंट वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार अभी इस पे काम नहीं करना है क्योंकि सामने वाले ने अक्वायर कर लिया, इसको तालिबान ने अक्वायर कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, खत्म। सिंगल पैन होना चाहिए प्लस ध्यान से सुनना मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अरे जो अपना वॉशिंग पाउडर सेगमेंट है वो तो एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। अरे वो अफगानिस्तान वाला सेगमेंट आपने बंद किया, वो तो वही हुआ ना कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन बंद हो गया। या फिर ये तीसरा पॉइंट सी, पॉइंट 1, 2, 3 प्लस है एंड यहाँ पे सिंगल प्लान में पॉइंट 1, 2, 3 जो है ना वो और है करके। अरे समझ रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला? अच्छा तीसरा वाला पॉइंट क्या है? आप जो सेगमेंट डिसकंटिन्यू कर रहे हो आपके पास उसका अलग से डेटा अवेलेबल होना चाहिए, अलग से रेवेन्यू का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, असेट का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, लायबिलिटीज का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, खत्म। अब सुनना, ये वाला आंसर इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। वो क्या बोलता है? बोलता है कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपने को प्यार से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलना है। अपने को लगेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है लेकिन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। पहला क्या था? ग्रेजुअल फेजिंग आउट, जैसे मैंने आपको बोला था। फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंपनीज, कौन सी? सैमसंग एंड नोकिया। सैमसंग ने क्या किया? धीरे धीरे अपने पुराने फोन बंद किए, सेम रिसोर्सेज यूज करके नए फोन लॉन्च कर दिए, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल फेजिंग आउट। अरे बाबा क्या सैमसंग ने फोन बेचना बंद कर दिया? नहीं बाबा नहीं, तो इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मत बोलना। लेकिन नोकिया ने जो किया ना, नोकिया ने क्या किया? धीरे धीरे करके फोन अपना बंद कर दिया, उसको ग्रेजुअल फेजिंग आउट मत बोलोगे, उसको पता है क्या बोलोगे? फेजिंग आउट इन अ टाइम, क्या बोला मैंने, इसको लिख लो जल्दी लिख लो, फेजिंग आउट इन अ टाइम बाउंड मैनर। नोकिया ने जो किया ना उसको प्यार से बोलते हैं फेजिंग आउट इन अ टाइम बाउंड मैनर, इसके ऊपर AS24 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन सैमसंग ने जो किया उसको बोलते हैं ग्रेजुअल फेजिंग आउट, इसके ऊपर AS24 एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? अरे मगज में आ रहा है क्या? बराबर ना? अब सुन मेरी बात ध्यान से। दूसरा, डिसकंटिन्यूइंग सेवरल प्रोडक्ट। अरे जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर सेगमेंट है, उसमें लेट से 5 प्रोडक्ट है, तुमने एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी वॉशिंग पाउडर सेगमेंट खत्म हो रहा है, उसके ऊपर AS24 एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ सम मार्केटिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर आप अपनी दुकान फॉर एग्जांपल मुंबई से गुजरात शिफ्ट करते हो, इसके मतलब ये थोड़ी आपका धंधा बंद हो रहा है। अरे एक्टिविटी शिफ्ट करना तो बहुत ज्यादा कॉमन है। चौथा क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग एंड चेंजेस स्कोप ऑफ ऑपरेशन। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में मनाली वाला बिस्किट वाला। अरे लेट अस से मेरी 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, मैं बिस्किट बनाता हूं। मैंने प्रोसेस नंबर 1 जो है बंद कर दिया, मैंने बोला एक काम करता हूं बिस्किट, ये प्रोसेस 1 जो है ना उससे लेट अस से बिस्किट बनता था, प्रोसेस 2 में क्रीम लगता था, प्रोसेस 3 में पैकेजिंग होता था। मैंने बोला था एक काम करता हूं प्रोसेस 1 बंद करते हैं, बिस्किट आउटसोर्स कर लेते, मैंने एक प्रोसेस बंद किया है। प्रोसेस बंद किया मतलब ये थोड़ी है कि धंधा बंद कर दिया, इसके ऊपर भी AS24 एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर। अरे आपको समझ रहा है कि मैंने क्या बोला? पूरे AS24 की जान कुछ है ना, तो यही है, खत्म। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट आंसर, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। अब अपन बोलते हैं कि सर ठीक है, अभी देखो AS24 जो है ना 200 इज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? अपने को ना डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डिस्क्लोजर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सवाल आता है डिस्क्लोजर कब देने का। ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि काम करते हैं,
इस सेगमेंट को ना बंद कर देते हैं तो देरी का डिस्क्लोजर, अरे ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता बराबर। अपने को क्या करना पड़ेगा, देख भाई ध्यान से सुन, डिस्क्लोजर आप अगर आपको करना है ना तो ध्यान से सुनना, दो इवेंट होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी इवेंट जल्दी हो गया तब जाके दे देंगे डिस्क्लोजर। अच्छा ये है पॉइंट नंबर वन, ये है पॉइंट नंबर टू, दोनों के बीच में है और ये पॉइंट टू के जो दो पॉइंट है उसके बीच में है एंड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलो, पहला एंटरप्राइजर एंटर इनटू बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट, अगर एंटरप्राइज ने सेल अग्रीमेंट साइन कर दिया इसका मतलब भैया आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा, एंटिटी बेचने वाली है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बना के अप्रूव कर लिया, प्लान बना अप्रूव कर लिया एंड पब्लिकली उस प्लान का अनाउंसमेंट भी कर दिया। याद रखना ये पॉइंट नंबर टू बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर। पॉइंट नंबर टू के अंदर दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, दोनों होना चाहिए। अगर आपने खाली प्लान बना के अप्रूव करा, अनाउंसमेंट नहीं करा, नहीं चलेगा। अनाउंसमेंट कर दिया, अप्रूव नहीं करा, नहीं चलेगा, खत्म। ये हो गया इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। तो याद रखना, या तो बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट में एंटर करो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो काम साथ में करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट करके अप्रूवल या अप्रूवल करके अनाउंसमेंट, खत्म। दोनों में से जो व्हिचएवर इज अर्लियर होगा डिस्क्लोजर दे देंगे, खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें ना दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराता हूं, सुनो। ये वाला क्वेश्चन नंबर वन, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। चलो अब इसमें अगर आप देखोगे तो अपन ने क्या किया, कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन ना धीरे धीरे कम करके अपना वैनिशिंग क्रीम बेच रहे हैं, कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन बंद करके धीरे धीरे वैनिशिंग क्रीम बेच रहे हैं। अरे अपने क्रीम बेचना बंद कर दिया कि नहीं, इट इज नॉट अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यही बोला आपके क्वेश्चन नंबर वन में। फिर यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ होमवर्क सेक्शन, उसमें क्या था, अपन ना पहले महाराष्ट्र में माल बेच रहे थे, अरे अपन गुजरात में माल बेच रहे, इज इट अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नो नॉट एट ऑल। अरे याद आ रहा है कैसे धड़ाधड़ करने का छोटा छोटा स्टैंडर्ड है। अब मेरी बात सुनो मैं क्या बोलो, यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन प्रोसेसेस थी, मैंने क्या सोचा था कि काम करता हूँ एक प्रोसेस बंद करता हूँ तो मेरा 10% सेविंग हो जाएगा, अरे एक प्रोसेस बंद करता हूँ मेरा 10% सेविंग हो जाएगा बराबर। अरे बाबा एक प्रोसेस बंद कर रहे हो क्या, अपना धंधा बंद करो क्या, नो इट इज नॉट अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, खत्म। अब ये वाला मेरी बात ध्यान, अरे फटाफट धड़ाधड़ उड़ा देने का, अरे भाई एग्जाम है अपना बराबर ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा इसमें देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि भाई देख इसमें ना पहले तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जनवरी 2005 नहीं है, जनवरी 2009 है, ध्यान रखिएगा बराबर। इसमें क्या है, इसमें आपको बोलता है कि कंपनी के दो डिवीजन है सीमेंट एंड स्टील करके बराबर, वो स्टील डिवीजन बेचने का सोच रहा है। नवंबर 2008 में उसने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया, अनाउंस कि हम लोग अपना डिवीजन बेच रहे, खाली अनाउंस किया। मैं क्या बोलता हूँ, खाली अनाउंस कर दो डिस्क्लोजर, अरे चलना मजा आ रहा है, अरे चलना मजा आ रहा है, अरे ना मुन्ना ना, अनाउंसमेंट के साथ अप्रूवल भी तो करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने किया सिर्फ अनाउंस, अप्रूवल तो इन्होंने किया ही नहीं। अप्रूवल कब किया, ये देखो, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर डिस्पोजल फुलफिल्ड ओनली ड्यूरिंग जनवरी, तो अनाउंसमेंट हुआ नवंबर में, अप्रूवल हुआ जनवरी में, डिस्क्लोजर अब देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो नवंबर जनवरी बीच में ना दिसंबर इनका ईयर एंड है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, अप्रूवल यहां हुआ बराबर। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, नवंबर में अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट सॉरी जनवरी में हुआ अप्रूवल, ये लोग क्या बोल रहे हैं, दिसंबर में जो ईयर एंड डिस्क्लोजर दे दूं क्या, अरे दे दूं क्या, अरे नहीं दे सकते ना आप, मेरे को बोलो नवंबर में क्या हुआ था, खाली अनाउंसमेंट, जनवरी में क्या हुआ था, अप्रूवल, तो अप्रूवल प्लस अनाउंसमेंट कंप्लीट कब हुआ, जनवरी में, तो डिस्क्लोजर कब दोगे, जनवरी में, दिसंबर में ईयर एंड पे नहीं दे सकते, खत्म। अगला क्वेश्चन फटाफट, द लास्ट क्वेश्चन गया स्टैंडर्ड है, सॉरी इतना ही था, हाँ वेलकम टू द बुलेट रिविजन लेक्चर्स माय बॉय। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलूं, ये देखो इसमें क्या था, एक कंपनी थी रोहिणी बराबर, अब रोहिणी करके कंपनी है, इसके दो डिवीजन थे पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल। ये क्या सोच रहा है कि पैसेंजर कार डिवीजन को धीरे धीरे बंद करूं और पूरी तरह मैं क्या करूं, कमर्शियल व्हीकल ही बेचूं करके। पैसेंजर कार मतलब लेटर से धीरे कंपनी कॉल्ड एज टाटा मोटर्स बराबर। अब टाटा मोटर्स जो है क्या सोच रहा है कि धीरे धीरे जो गाड़ी चलाते हैं लोग बाग वो पैसेंजर व्हीकल्स बंद करता और सिर्फ ट्रक बेचता हूं करके। तो उसने आपको तीन सिचुएशन दिया है, तीन अलग अलग सिचुएशन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ मियर ग्रेजुअल फेजिंग आउट कैन बी कंसिडर्ड डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अरे ग्रेजुअल फेजिंग आउट को क्या आप डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलोगे, नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा नो। दूसरा देखो क्या लिखा है, तीसरा पढ़ते तीसरा, अच्छा चल दूसरा पढ़ते हैं, इफ द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन टू सेल सम ऑफ द असेट्स इन द पैसेंजर कार डिविजन एंड ऑल्सो टू ट्रांसफर फ्यू अदर असेट्स ऑफ द पैसेंजर कार डिविजन टू द न्यू फैक्ट्री दस दिस ट्रिगर द एप्लीकेशन AS24। ये क्या बोलता है कि मान ले मैंने क्या किया, पैसेंजर कार डिवीजन के थोड़े असेट्स ना कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में ट्रांसफर किए, खाली ट्रांसफर किए हैं। अरे एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री असेट ट्रांसफर करना, इसका मतलब ये है क्या कि एक फैक्ट्री बंद हो रही है, अरे नहीं, इसको भी डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मत बोलना बराबर क्या। और लास्ट वाला क्या है कि बोलता है पार्ट टू का आंसर आप बताओ चेंज हो जाएगा क्या, अगर ये
फेजिंग आउट इन अ टाइम बाउंड मैनर हुआ। अरे हाँ, अगर फेजिंग आउट इन अ टाइम बाउंड मैनर हुआ, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि हम धीरे 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 अपना कमर्शियल व्हीकल जो है वही चलाएंगे, पैसेंजर व्हीकल धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, यस, फिर उसको मैं बोल दूंगा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो जाएगा, खत्म। ये वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, ये LMQ है। LMQ मतलब क्या होता है? लेटेस्ट मॉड्यूल क्वेश्चन, खत्म। Am I very, very clear? अरे आपको समझ रहा है? मात्र क्या बोला मैंने, मात्र 10 मिनट और 22 सेकंड में AS24 होता है तुम्हारा स्वाहा। अरे तुमको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बच्चा लोग, यही तुम्हारा स्पीड होना चाहिए, बराबर ना? तुमने अगर रिविजन किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो अब करो, बराबर ना? ये तुम्हारा स्पीड होना चाहिए। मैं तुमको बोल रहा हूँ हर वीडियो में, हर बार लेक्चर के एंड पे बोलूंगा, वो दो लोग घर पे वेट कर रहे हैं जिन्हें अपने को जवाब देने का है। इफ़ यू कैन नॉट स्टडी फॉर एनी बडी इन द वर्ल्ड, प्लीज डू इट फॉर दोज टू पीपल। वो लोग बहुत आस ला के बैठे यार, बहुत आस ला के बैठे। इसलिए हर हर जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तुमको बार बार थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अपने को ना उन दोनों लोगों के लिए करने का, उनको लग्जरियस लाइफ देने का है। वो बेचारे अपने को बहुत ज़्यादा लग्जरियस देना चाहते हैं, बेचारे दे नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन ना फोड़ के रख देंगे, उनको हर एक चीज़ देंगे जो वो बेचारे हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए, बराबर ना? उसके लिए जो बन पाया करेंगे, जो करना है करेंगे, दिन रात पड़ेंगे तो पट डालो और फोड़ डालो। अरे तुमको समझ रहा है क्या? खत्म। तो यहाँ पे अगर तुम्हें याद है तो एक मैंने लिस्ट बनाया था जो गायब हो गई, बराबर? कोई बात नहीं, मैं बता दूं। देख भाई, अपना कौन सा हो गया? AS18, देन AS24, देन AS1। स्वाहा, तीन स्टैंडर्ड स्वाहा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? खत्म। तो मिलते हैं अपन अभी अगले स्टैंडर्ड में, बाय बच्चों।